गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आज मॉर्निंग में ये बुक पढ़ी थी, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो इसमें मुझे एक आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो आइडिया मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के, जब वो मिलते हैं मुझसे, तो कहते हैं कि भाई सर याद नहीं रहता है, कुछ टाइम तक याद रहता है फिर भूल जाते हैं। तो याद कैसे करें, आगे आप पढ़ा रहे हैं लेकिन पीछे वाला हम भूल जाते हैं, तो उसका क्या करें? तो मैं इस चार्ट के द्वारा, इस ग्राफ के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली याद कैसे रखा जाए, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई जो एक्सेस है यहाँ पे, ये बता रहा है कि आप कितना याद रख पा रहे हैं, कितना रिमेम्बर कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 20% मतलब 20% याद रह पा रहा है, 40%, 60%, 80% या फिर पूरा 100% याद रह पा रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो एक सप्ताह, दो सप्ताह, तीन सप्ताह, मतलब टाइम। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, फॉर एग्जांपल आपने पहली बार कुछ पढ़ा तो आपको एक सप्ताह तक याद रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, 20% के आसपास ही याद रहेगा एक सप्ताह बाद में। उसके बाद अगर वही चीज़ आप दोबारा पढ़ेंगे तो बाद में आकर के हो सकता है वो 40 पे रुक जाएगा। तीसरी बार अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 60 पे रुक जाएगा। चौथी बार है तो फिर 80 पे, और बाद में आपको पाँचवीं बार आप देखेंगे कि आपको 100% वो याद रहेगा काफ़ी समय तक। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं इस चार्ट के द्वारा, यही कि रिपीटेशन इज द फ्रेंड ऑफ मेमोरी। आप जितना किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उतना ही वो आपको याद रहता है। आपको क्या लगता है मैं आइडियाज़ आपके साथ में क्यों शेयर करता हूँ? उसका एक कारण ये भी है कि वो चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर रहे, क्योंकि एक तो हो सकता है मैं इस बुक को दोबारा पढ़ूँ याद करने के लिए, दूसरा हो सकता है आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि आपके साथ जब शेयर करता हूं तो वो आइडिया मुझे भी वापस रिपीट हो जाता है। तो यही कारण है मेरा आपके साथ में ये चीज़ें शेयर करने का। और राइट, तो जो भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं, वर्ड वगैरह कुछ भी, एक बार याद करोगे तो एक सप्ताह बाद भूल जाओगे, एक सप्ताह बाद वापस पढ़ो, फिर वापस पढ़ो, फिर वापस पढ़ो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ओके, तो फिर से कह रहा हूँ, रिपीटेशन यानी दोहराना, इसी से हमें याद रहती है बहुत सारी चीज़ें, दैट इज़ इट। और अगर आप बुक्स के अंदर जो चीज़ें सीखते हैं उनको अगर याद रखना चाहते हैं तो रीड एंड डिस्कस, जो भी पढ़ो वो दूसरों के साथ में डिस्कशन करो कि यार पता है मैंने ये बुक पढ़ी, उसमें ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो सामने वाला कहेगा क्या आइडिया है बताओ, तो आप उसको वो आइडिया शेयर कर सकते हो। तो रिपीटेशन इज़ द फ्रेंड ऑफ मेमोरी, और जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते, एक दिन में बार बार नहीं पढ़ना, आज पढ़ लिया सप्ताह भर बाद वापस देखो, फिर सप्ताह भर बाद वापस देखो, फिर सप्ताह भर बाद वापस देखो, 3-4 बार रिपीट कर लोगे ना तो आपके दिमाग में वो 100% तक याद रह जाएगा आपको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।